शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफत जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफत जहाँ यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हमने बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। समझ आ गई, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने आज डिस्कस क्या करना है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक रिलेटेड डिटेल डिस्कस। दिस इज़ द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली आज के टॉपिक में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। हमने कहा था ना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बेसिकली अब हम एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे डिटेल। फिर हम देखेंगे कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो समझ लिया, अब हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे डिफरेंस कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इन दोनों की जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन से आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये लफ्ज़ निकला है। अब हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करने, अब से ऑनवर्ड ना अब हम कम्प्लेक्स एनिमल्स में या मल्टी सेलुलर एनिमल्स में उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेल डिवेलप्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है। समझ आ गई, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज़रूरी होता है कम्प्लेक्स एनिमल्स के लिए, क्योंकि कम्प्लेक्स एनिमल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, एक तो वो मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, उनका जो एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता है लेकिन सारे सेल्स का नहीं होता। उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं होती एनवायरमेंट से, उनका एक एक सेल एनवायरमेंट से एक्सपोज नहीं होता। पीछे तो हमने देखा था कि जिनकी सारी की सारी बॉडी सेल्स जो है वो एक्सपोज होते हैं एनवायरमेंट, तो वो डायरेक्ट डिफ्यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर में कम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो उनके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अंदर होते हैं, जो कि डायरेक्ट एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होते। ठीक है, सो वहाँ तक फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो ना, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स माने जाते हैं, उनमें फिर प्रॉपर वेल डिवेलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। समझ आ गई, अच्छा जी, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल होते हैं, उनकी जो बॉडी वो लिटल एक्सपोज होती है, उनका जो सर्फेस एरिया होता है वो लिटल एक्सपोज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। उनकी सारी की सारी जो सेल्स हैं ना वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते। यही वजह है कि फिर उनके लिए डिफिकल्टी होती है कि वो फिर एक एक सेल तक जो है वो खुराक को पहुंचाए, सिंपल डिफ्यूजन। एक तो आपको पता है कि हमने पीछे भी पढ़ा कि डिफ्यूजन का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत स्लो है। हमने कहा था 1 मीटर अगर डिफ्यूजन होनी होती है तो 8 साल में कंप्लीट होती है। हम देखें कि अब जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल उनकी तो हाइट भी ठीक ठाक होती है, दोनों में तो फिर साला साल जो है वो डिफ्यूजन ही होती हो। ठीक है, यही वजह है कि इनमें प्रॉपर फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वही तो हमने पढ़ने जाना, उनकी तो नेचर डिस्कस करनी है, वही तो करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है। तो जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फिर ये अपने अंदर वेल डिवेलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब कि क्योंकि कम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं करती, यही वजह है कि इनमें फिर डिफ्यूजन नहीं होती। और अगर वो डिफ्यूजन करने में बैठ जाए, क्योंकि इनकी कुछ सेल्स जो हैं वो अंदर छुपे होते हैं, उनमें तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से खुराक नहीं ले सकते, तो उनमें डिफ्यूजन अगर हो तो वो बहुत लेट प्रोसीजर है। तो वहाँ फिर ये अपने अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इवॉल्व कर रहे होते हैं। वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने डिस्कस करना है जो कि कम्प्लेक्स एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। उनकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये कम्प्लेक्स एनिमल्स अपने अंदर इवॉल्व कर रहे होते हैं ताकि वो जितना ज़्यादा रैपिड मास ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल करवा सके फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया बहुत स्लो है। यही वजह है कि कम्प्लेक्स जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स को या कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इवॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर वो अपनी बॉडी में उसको बना रहे होते हैं, या अल्लाह ताला ने उनको बॉडी में रखे हुए हैं ताकि मटीरियल जो कि रैपिड और बल्क फ्लो में होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हो सके। समझ आ गई, आप सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 जो है वो ब्लड है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल से ब्लड दिखाया हुआ। ठीक है, हमने जस्ट ये कहना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कम्प्लेक्स एनिमल की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है दैट इज ब्लड, जिसको सर्कुलेटरी फ्लूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन में जो फ्लूड इन्वॉल्व होता है उसको ब्लड बोलते हैं। यही वजह है कि इसको हम सर्कुलेटरी फ्लूड भी बोलते हैं।
समझ आ गई। अब ये जो ब्लड है ना, ये बेसिक नीड होती है ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि सर्कुलेशन में ब्लड ही तो सर्कुलेट कर रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हार्ट आ जाता है, दूसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का है हार्ट। हार्ट को बेसिकली कॉन्टेक्टाइल पंपिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट करती है, ये पंप करती है ब्लड को, ठीक है, वो सर्कुलेटरी फ्लूड जो कि इसके अंदर आता है। अब ये जो हार्ट है, इसकी जो नेचर है, ये पंपिंग डिवाइस है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टाइल पंपिंग डिवाइस है। तो इसने कॉन्टैक्ट करना है, पंप करना है ब्लड को, और ये फिर आपको पता है कि थ्रू आउट द बॉडी फिर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ये वजह है कि ये फिर मूवमेंट करवा रही होती है, जो कि अंदर कॉन्टैक्टाइल पंपिंग डिवाइस में जो ब्लड मूव कर रहा होता है, जिसको सर्कुलेटरी फ्लूड बोलते हैं, वो फिर आपको पता है कि पूरी ब्लड वेसल से होता हुआ एक एक सेल तक जाता है इसके कॉन्टैक्ट और पंप करने की मदद से। समझ आ गई। अच्छा, लास्ट जो इनका कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज ट्यूब्स। सो आपने ट्यूब्स में कंफ्यूज नहीं होना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट है ट्यूब्स, उसको बेसिकली ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और आपको पता है तीन किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। नंबर वन जो है वो आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, और सेंटर में जो आपको नजर आ रही है ये कैपलरीज हैं। समझ आ गई। ये जो है ये सारी की सारी आपको पता है ट्यूब्स हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ मटीरियल को, बॉडी फ्लूड, मतलब वो एक एक बॉडी सेल तक जो जाता है, जो मटीरियल की एक्सचेंज हो रही होती है, ये इन्हीं ब्लड वेसल्स में हो है। ये तो होगी छोटी छोटी बातें, ठीक है, मुश्किल कोई बात नहीं थी। अब नेक्स्ट जो हमने डिफरेंस डिस्कस करना है, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो स्मॉल साइज रखने वाले एनिमल्स हैं, ये उनमें हो रहा होता है, ठीक है, उनमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इनमें जो ब्लड है या जो भी इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूड है, ये उस ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं मूव कर रहा होता, बल्कि डायरेक्ट ये जो टिश्यूज को बाथ दे रहा होता है, ठीक है, इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो ब्लड होता है वो स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ही मूव करता है। अब मैं क्या कहानियां बता रही हूँ, आप भी कहते होंगे पता नहीं मैम क्या बोली जा रही है, भाई डायग्राम को समझाएं मैम, अगर आपने डायग्राम दिखाई है तो उसको एक्सप्लेन करें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग होती है, ठीक है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है उन्होंने इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क है ना ब्लड वेसल्स का, उनके अंदर ही मूव करना है, बाहर नहीं आना। बल्कि अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी आ सकता है सेल्स, और जो टिश्यूज हैं वो डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं ब्लड से या फिर सर्कुलेटरी फ्लूड से। समझ आ गई। चलें जी, मजीद इसके रिलेटेड अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ ना, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, एक तो ये कि ये डायरेक्ट गैसेज एक्सचेंज कर सकता है, इनमें जो जिन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो डायरेक्ट गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बल्कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें गैसेज एक्सचेंज जो है वो नहीं हो रही होती। तो मजीद अगर मैं आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिटेल बताऊँ ना कुछ, वो ये कि ये जो है ना, ये डू नॉट ट्रांसपोर्ट गैसेज, ये गैसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही मूव करता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है। अच्छा, अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो उनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, लेकिन अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले एनिमल्स की बात करें तो उनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि उनका जो कलर होता है ना ब्लड का, वो कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो वो ये होगा कि अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एडवांस्ड एंड इफेक्टिव जो सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है ना, वो क्लोज्ड है, मतलब परफेक्ट ये है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये प्रीमिटिव है, मतलब बहुत पहले वाला प्रीमिटिव है और ये लेसर एफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, ये तो मोटी मोटी बातें होंगी, अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट्स ये है कि अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन फाइलम में मौजूद होते हैं, तो जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं, जैसे स्नेल हो गया, क्लाम्स हो गया, उनमें बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। समझ आ गई। उसके अलावा भी फिर प्रोटोकॉर्डेट जितने भी हो जाते हैं, ट्यूनिकेट्स जो हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन एनिमल्स में देखा जाता है, तो वो एनिमल्स जो कि एनिलिड से बिलोंग करते हैं, सिफेलोपोड से बिलोंग करते हैं, मोलस्क से बिलोंग करते हैं, जैसे स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ठीक है, इकानोडर्म्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं ना, हायर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स, उनमें बेसिकली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इवन ह्यूमंस की बात करें तो क्योंकि हम भी वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, तो हम भी जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं,
समझ आ गई। अच्छा जी लास्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा आज के टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो ये कि अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं मूव कर रहा होता, लेकिन अगर हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में ही मूव करता है, और वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो बेसिकली आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज होती हैं। ह्यूमन्स की अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो हमारे बॉडी में ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज में मूव कर रहा होता है। समझ आ गई। अब यहाँ ये दिखाया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना ये सिर्फ जो स्मॉल साइज्ड एनिमल है ना उसमें ही बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि इनमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सिस्टम देखा जाता है जैसा कि ह्यूमंस आ गए। नीचे मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आ गई है। चलो जी, दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना वो होगा बेसिकली एग्जांपल के साथ। हमने बेसिकली अब हम एग्जांपल्स लेंगे और उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो अर्थवर्म और कॉकरोच में हमने ये कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। ये मैंने आपके साथ प्रॉपर जो है वो डायग्राम की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपने कमेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लास्ट पे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।